HC1 solution chapter 24 kinetic theory of gas question number 13. A sample of 0.177 gram of ideal gas occupy 1000 centimeter cube at STP. Calculate the RMS speed of the gas molecule. ओके तो अपने पास मास गिवन है, टोटल मास 0.17 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.177 इंटू 10^-3 केजी आ जाएगा। और वॉल्यूम अपने को कितना दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 10^-6 मीटर क्यूब हो जाएगा ये। ओके और टेम्परेचर और प्रेशर अपने को एसटीपी बोला है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर 273.15 केल्विन और 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। हमें पूछा आरएमएस स्पीड, तो आरएमएस स्पीड क्या होता है, आरएमएस स्पीड होता है 3RT बाई m, राइट, ये अपना आरएमएस स्पीड है। अब यहाँ पे ये मोलिकुलर मास है, आर तो अपने को पता है आर कितना होता है, आर अपने पास 8.3 है, ठीक है, टेम्परेचर है बट मोलिकुलर मास नहीं है, तो मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू nRT, राइट, ओके, तो एन को क्या लिख सकते हैं, एन क्या है अपना नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या, टोटल मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास मोलिकुलर मास आ रहा है, मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, एम इज इक्वल टू mRT बाई pV, राइट, ये अपना मोलिकुलर मास आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये 3RT बाई mRT इंटू pV, राइट, ओके, तो ये RT RT कैंसिल आउट, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, 3pV बाई m, ये अपने पास VRMS का फॉर्मूला आ गया। तो VRMS कितना आ जाएगा, 3, प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10^5, वी कितना है 10^6 और ये 10^-3 आ जाएगा, ओके, एम कितना है, मास है 0.177 इंटू 10^-3, राइट, इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 16.94 इंटू 10^5, ठीक है। अब 10^5 का अपन रूट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, 16.94 इंटू 10^4 लिख सकता हूँ, ठीक है, अब 10^4 का रूट 10^2 होता है और ये होगा 13.01 इंटू 10^2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आरएमएस स्पीड होगा, या फिर आप बोल सकते हो 1301 मीटर पर सेकेंड, और अगर राउंड फिगर बोलो तो 1300 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आरएमएस स्पीड होगा।